क्या बनेगा बड़ा होकर, कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ, क्या सारी उम्र में से घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा। रह गई ना तुम आग से, तेरे कजिन विक्की को देखा है, इस साल भी टॉप किया है उसने, उससे ज्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए मुझे तेरे। रुक जा, ये दरवाजा है, निकल जा, घर से जा। लास्ट अटेम्प्ट है, नहीं हुआ तो कुछ तो करोगे ना। इससे कम तो गाली के बराबर है। मुझे नहीं पता मेरे ऊपर इतना प्रेशर क्यों है, क्यों हमें करियर चूज करते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन सी लाइन सेफ है, क्यों कपड़े लेते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन से कपड़े डिसेंट लगेंगे। मेरे जैसे भरे पड़े आईआईटी में, कभी उससे पूछा उसका क्या मन है करने का, कभी मुझसे पूछा था, अनुज है ना अनुज मेरे रूम में, वो भी आईआईटी में अपने माँ बाप के सपने पूरा कर लिए, सुसाइड कर लिए उसने, नहीं हो पाया उससे। साढ़ा एक नंबर पूरा साल खा गया। सिर्फ फैक्ट्स है जिनके कोई लॉजिक्स नहीं है, लॉजिक के नाम पे जितने रूल्स नहीं है उससे ज्यादा तो एक्सेप्शन है। पहले ऑक्टेट रूम में बताएंगे सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर फिर कितने भी इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड बना रहे, 4, 6, 7, 8, 10 और 12। हाँ, कमर टूट जाती है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उसके बाद 4 साल वहाँ घिसना पड़ता है, अनगिनत किताबें, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इक्वेशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, थीटा पीटा कर कर पुट्टू साहब इंजीनियर बनते हैं, और तुम हमसे मानते कराते प्रोडक्ट बिकवाते हो। तो स्कूल से 3 बजे आ जाएगी, 3:30 बजे तेरी हिस्ट्री की क्लास है, और 4:40 पर तेरी मैथ्स की क्लास है, 5 बजे तुझे स्विमिंग पर जाना है, और 7 बजे तेरी आर्ट की क्लास है, और 8 बजे डिनर, 9 बजे होमवर्क, और 10:30 पर तू सो जा। सेमेस्टर में घर क्यों वापस आ गया, अकेले बैठे डर लगता था कमरे में, मैं डर गया हूँ पापा। आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी, जिंदगी भर आने की जरूरत नहीं है सर में, गुजर रहे हैं गुजर से। रोटी के बारे में सोचूं बापू की कोचिंग के बारे में सोचूं, यह हालत है। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूँ, आपको सुख दूंगा, आपका ध्यान रखूंगा। इस तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है, और वो है इंजीनियरिंग। आज तेरी टीचर का फोन आया था, पिछले 10 दिन से तू स्कूल नहीं गई है, कहाँ जा रही है अगर स्कूल नहीं जा रही है तो? ये देख, ये है असली स्टूडेंट ऑफ द ईयर, शक्ल देख, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, बाल झड़ गए, पता नहीं बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, सिर्फ पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, आरती शर्मा में घुसा रहता है। मुझे ना आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे शायद दिमाग के डॉक्टर की जरूरत। चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस। बताओ कौन होता है असली स्टूडेंट ऑफ द ईयर? हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ओ मेडिकल के स्टूडेंट्स, सीए के स्टूडेंट्स, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, एमबीए के स्टूडेंट्स, ये होते हैं असली स्टूडेंट ऑफ द ईयर। पर सर, इस राजू हस्तों की इस रस्टिकेटेड फ्रॉम द इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एक स्टूडेंट और एक मजदूर में कुछ फर्क नहीं होता, एक मजदूर हाजिरी लगाते हैं, स्टूडेंट अटेंडेंस लगाते हैं, मजदूर की पगार कटती है, स्टूडेंट के मार्क्स कटते हैं, मजदूर बंबू उठाता है, स्टूडेंट पेन उठाता है, मजदूर को बंबू उठाने के 600 मिलता है, हम स्टूडेंट्स को क्या मिलता है, सिर्फ बंबू।